नमस्कार, अनीता स्मार्ट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम शक्कर का बूरा बना लेते हैं। गैस की फ्लेम को चालू करके कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने आधा कप शक्कर ली है और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, जितना कि शक्कर डूब जाए। और अब इसे हम लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखें ताकि शक्कर जल्दी से पिघल जाए। और शक्कर पिघल चुकी है, चाशनी में भी उबाल आ चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। और इसकी अब हमें एक गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी बन चुकी है, इसे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, लेकिन इसे ऐसे ही कढ़ाई में हम चलाते रहेंगे। इसे चलाते हुए ही हमें इसे ठंडा करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह पाउडर फॉर्म में आने लगा है। और इसे चलाना ना छोड़े, अगर चलाना छोड़ देंगे तो इसकी डलिया बन जाएगी। बिल्कुल ठंडा होने तक इसे चलाते रहना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि शक्कर का बूरा बनकर तैयार हो गया है। इस बूरे को हम एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। अगर आपको लगता है इसमें डलियां हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। गैस की फ्लेम को चालू कर फिर से कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसमें हमने 1 कप बेसन लिया है। इसे हम धीमे आंच पर हमें इसे सेकना है, बेसन को। इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। घी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि बेसन पतला हो जाता है घी की वजह से। और इसमें कुल मिलाकर मैंने 4 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, मतलब कि जितना हमारा बेसन था उसके 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही घी हमने यूज़ किया है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 से 4 चम्मच। इससे क्या होगा कि अगर बेसन के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह पानी से फूल जाएंगे और जो दानेदार लड्डू बनते हैं ना, वैसे ही लड्डू हमारे बनकर तैयार होंगे। इसे लगातार 1 से 2 मिनट और चलाएंगे और हमारा बेसन सिक के तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करना है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो वैसे भी प्लेट में निकालते ही बेसन थोड़ा सा ठंडा हो ही जाएगा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और जो हमने शक्कर का बूरा बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चूँकि हमारा बेसन थोड़ा गर्म है इसलिए शक्कर का बूरा मिलाते ही थोड़ा गीला हो जाएगा बेसन और लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। अगर आपको लगता है कि बेसन सूखा है और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें बीच में एक मैं काजू लगा देती हूँ और हमारा दानेदार बेसन का लड्डू बनकर तैयार है। जब तक हम सारे बेसन के लड्डू बना के तैयार करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और इसी प्रकार हम हमारे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। और सारे लड्डू बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप सभी को मेरी बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।